लॉस एंजलिस से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यहाँ जूरी अदालत में 71 साल की महिला को बड़ी जीत मिली है। 2 साल से चलती आ रही इस इंसाफ की लड़ाई में नैंसिक के सामने मशहूर फार्मास्यूटिकल और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन हार गई है। कंपनी को कोर्ट की तरफ से ये आदेश मिले हैं कि कंपनी नैंसी को $40.3 मिलियन यानी कि करीब 2.86 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। दरअसल नैंसिक को कंपनी पर ये आरोप लगाया था कि उसके बेबी टेलकम पाउडर के इस्तेमाल से उन्हें कैंसर हो गया है। खबरों के मुताबिक ये केस साल 2017 से चला आ रहा था। साल 2017 में ही नैंसी को कैंसर का पता चला था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कैंसर फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़ों में होने वाले इस कैंसर की वजह से ही नैंसी परेशान थी। बीते शुक्रवार को कोर्ट ने नैंसी के हक में फैसला सुनाया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि नैंसी को कैंसर किस वजह से हुआ है। बता दें कि कंपनी के खिलाफ ये पहला मामला नहीं है। 14,000 से अधिक मुकदमों में आरोप लगाए गए हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर डिम्ब ग्रंथि के कैंसर और मेसोथेलियोमा का कारण बना है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।